जय हिंद साथियों, स्वागत है अपना चैनल मेक इंडिया टेक। साथियों, बात करेंगे आज हम लोग सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड्स के बारे में, जिसमें कि बोकारो यूनिट से अटेंडेंस कम्स अटेंड की जो भर्ती है वो आई हुई है, और इसमें आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत ही दिनों के बाद ये भर्ती आई हुई है। ये भर्ती बहुत पहले आते थे, यानी कि 11, 12, 13, 14 उस टाइम लगातार कुछ ना कुछ भर्ती आती रहती थी, बट बीच में ये भर्ती रुकी हुई थी, तो फिर से ये अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट में है, और अभी मैंने भिलाई स्टील प्लांट्स खोला, लेकिन आप लोग नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट्स देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बोकारो जो स्टील प्लांट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट है वो मेंशंस करेगा। करियर सेक्शन में जाने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बोकारो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट्स की जो है न्यूज़ है, और यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि अटेंडेंस कम टेक्नीशियंस की भर्ती जो है उसके बारे में दिखाया गया। तो डायरेक्ट हम लोग इसका नोटिफिकेशंस को देखते हैं, अब लिंक कर रहा है न्यूज़ सेक्शंस में जाने के बाद, और वहाँ से हम लोग उसको देख पाएंगे कि कौन कौन सा ट्रेड की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप लोग, बोकारो स्टील प्लांट्स का जो है वैकेंसी है ये, और ये जो पब्लिक किया गया था 24/8/2022 को ही पब्लिक कर दिया गया है, और ये महारत्न कंपनी है जो कि आप लोग जानते ही हैं सेल्स। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बोकारो यूनिट्स की है, इस यूनिट से इसकी भर्ती हुई आई हुई है। इसे सेल्स के अंतर्गत बोकारो आती है, दुर्गापुर आती है, और भिलाई और राउरकेला और कुछ विजाक स्टील से भी आती है, और फिर इधर आसनसोल में भी है। तो 4-5 यूनिट है इसका, जो हर जगह से कुछ ना कुछ भर्ती आते रहती है, बट यहाँ पे अभी बोकारो स्टील प्लांट से भर्ती आई हुई है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 146 वैकेंसी है, जिसमें कि यूआर की है 56 भर्ती, एससी का 16 और एसटी का जो है 35 और 10 यानी कि 45 है, और ओबीसी का 16 है। यानी टोटल मिला के बात करेंगे तो हमारा 146 की भर्ती आई हुई है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है अपर एज लिमिट जो 15/9/2022 तक में 28 साल होना चाहिए, ये जनरल एज है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी एससी जो एज ए गवर्नमेंट रूल्स होती है वो सारा आपको मिलेगी, जिसमें यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यानी कि 5 ईयर्स जो है एससी एसटी के लिए और 3 ईयर्स ओबीसी के लिए। आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, अटेंडेंस कम टेक्नीशियंस जो ट्रेनी भर्ती है इसका क्वालिफिकेशंस बोला जा रहा है, मैट्रिकुलेशंस एंड कम्प्लीटेशंस ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स, यानी मैट्रिक के बाद आप जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहीं भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से किए हैं या कोई भी NAC से किए हैं, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहीं से भी किए हैं बाय वो जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होगा वहाँ से किए हैं, तो ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसमें कि हाइट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर्स हाइट रखा गया है और फीमेल का 143 सेंटीमीटर्स रखा गया, और वेट की बात करेंगे तो वेट 45 केजी और फीमेल्स के लिए 35 केजी। तो जनरली ये वेट तो आ ही जाता, कुछ कुछ हाइट में ही कम हो जाती है किन्हीं किन्हीं का, बट वेट तो गेन हो ही जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे सारा चीज मेंशन कर दिया गया कि जो है 50 15 जो परसेंटाइल्स स्कोर बनेगा, यानी कि
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन जो 90 मिनट्स के रहेंगे। और जो क्वेश्चंस का लेवल है यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो है 40 नंबर्स जो है जनरल अवेयरनेस, 30 लॉजिकल रीजनिंग्स और 30 जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 100 क्वेश्चंस हो गया, इसी से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और उसके बाद एक रॉन्ग आंसर्स पे 0.25 नंबर्स मार्क्स कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका 1/3 रेशियो में कॉलिंग किया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो है लिया जाएगा, यानी कि एक तरह से स्किल टेस्ट में आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है एनी अदर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन योर वेबसाइट sell.com इन ओनली। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया। और ट्रेनिंग्स एंड प्रोविडेशंस का बात करेंगे, यानी कि जॉब का जो है क्राइटेरिया है क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 साल तक ट्रेनी के ही रूप में रखा जाएगा, अटेंडेंट सम टेक्नीशियन ट्रेनी के रूप में। और जैसे ही सक्सेसफुल ये हो जाएगी ट्रेनिंग, तब आपको S1 ग्रेड्स में रखा जाएगा, जो कि पे स्केल S1 ग्रेड में ही रहेगी और पे स्केल बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो ये था दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उनको ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या क्या दिया जाएंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे, और यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड्स में जो है 12,900 पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पे स्किल बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशंस किया गया है। 25,000 70 रुपया से लेकर 35,070 रुपया तक रखा गया। अब यहाँ एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी मिनिमम 200 रुपया लगेगी। और यहाँ पे बात करेंगे ये जो है ST SC जो जो कैंडिडेट है उनके लिए फ़ी माफ रहेगी। तो ये था दोस्तों सेल्स का जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट की भर्ती के बारे में, और इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका करियर सेक्शंस में जाने के बाद आप लोग को इस फॉर्म को आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जो वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, वैलिड जीमेल नंबर चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर्स, और जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके आपको डालना है। फ़ोटो सिग्नेचर्स कितना चाहिए, कितना KB का चाहिए, आप लोग सारा इंस्ट्रक्शंस में देख लीजिएगा। और सिग्नेचर्स भी कौन कौन पेन से करना है आपको वो भी देख लीजिएगा कि ब्लू या ब्लैक से, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ब्लू एंड ब्लैक दोनों ही चलेगा। और कितना KB का चाहिए, और आप पेमेंट जो है किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ATMs या और भी ऑनलाइन जो है ऑफलाइन पेमेंट्स चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेल के द्वारा जो आया हुआ वैकेंसी उसके बारे में। और रेगुलर इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करते रहिएगा ताकि कॉल लेटर्स कब तक दे देगा। इसमें सारा ऐसा कुछ मेंशंस किया नहीं गया है कि एग्ज़ाम इस तारीख को लिया जाएगा, देख ही लेते हैं नीचे में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। बट दे दिया गया है कि टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कन्फर्म इन एडमिट कार्ड्स एंड कॉल लेटर्स। तो जो भी चीज़ आएगी एडमिट कार्ड्स या जो भी चीज़, तो उसको वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा। और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 15/9/2022 रखा गया। तो ये दोस्तों था सेल के द्वारा वैकेंसी आई हुई थी उसका इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा ताकि और भी सेल्स अपडेट आएंगे तो आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।